नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है एन अकेडमी के ऊपर। और मैं लोकेंद्र सिंह आज पुनः आप उनके लिए 10 नए करंट अफेयर्स लेकर के आया हुआ। दोस्तों सभी लोगों का स्वागत है, जल्दी से सभी लोग कनेक्ट हो जाइए। स्वागत है दोस्तों सभी लोगों का, जल्दी से सभी लोग कनेक्ट हो जाइए। नमस्कार नमस्कार, शारदा मेहरा जी, समीक्षा श्रीवास्तव, एस जी मोजो, गुड इवनिंग। ओम वर्मा जी, गुड इवनिंग दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग आज के हमारे करंट अफेयर्स। एक मिनट बस, मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए आप लोग। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब हमारा आज का करंट अफेयर। ओके, ये जो न्यूज आप लोगों को मैं हमेशा देता रहता हूँ दोस्तों, इस न्यूज पे थोड़ा सा फोकस करिएगा आप लोग, क्योंकि आज जो है वो लास्ट दिन है। ठीक है, सेकंड जो हमारा एमपीपीएससी चैंपियनशिप स्टार्ट हो गया है उसमें एक पेपर ऑलरेडी हो चुका है। दूसरा पेपर जो है 31 मई को है ना, दूसरा पेपर जो है 31 मई को है। तो जिन लोगों ने अभी तक इनरोल नहीं किया हुआ है वो लोग दोस्तों सभी लोग इनरोल कर लीजिएगा, क्योंकि दूसरा पेपर 31 मई को है और 31 मई को 10 से 12 के बीच में पहला पेपर है और 2 से 4 के बीच में दूसरा पेपर रहेगा। तो जिन लोगों ने इनरोल नहीं किया हुआ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे आप लोगों को लिंक दिया हुआ है, फ्री मॉक टेस्ट करके उसका लिंक का नाम दिया हुआ है, वहां जाकर के आप सेकंड पेपर के लिए इनरोल कर लीजिएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो अनएकेडमी ने एक प्री के लिए 120 दिन का, एमपीपीएससी 2020 के लिए 120 दिन का प्रीलिम्स का बैच स्टार्ट किया है दोस्तों, जो कि 3 जून से स्टार्ट हो रहा है। ओके, 3 जून से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें अलग अलग टीचर्स आप लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाले हैं। मैं लोकेंद्र सिंह आपको इस कोर्स के अंदर दो सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँगा, एक इंडियन पॉलिटी और दूसरा इंडियन ज्योग्राफी। तो दोनों सब्जेक्ट्स दोस्तों मेरे रहेंगे इसके अंदर। ओके, 3 जून से स्टार्ट हो रहा है ये, 120 दिन में आपको पूरा का पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस जो है कंप्लीट करा दिया जाएगा। एक इसके पहले ऑलरेडी बैच स्टार्ट हो चुका है, वो भी 120 दिन का ही बैच है और वो प्रीलिम्स का ही बैच है, और वो स्टार्ट हो गया है 20 मई के दिन दोस्तों। और उसके अंदर मैं लोकेंद्र सिंह आप लोगों के लिए इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। तो इस बैच में भी मैं हूँ जिसके अंदर मैं आप लोगों को इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। तो 120 दिन का एक कोर्स प्रीलिम्स के लिए 20 मई को ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है और एक 3 जून को स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों जितने भी लोगों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है जल्द से जल्द ले लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये आप लोगों के लिए बैचेस स्टार्ट हो गए हैं। और जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें तो मेरा कोड जरूर यूज करिएगा, लोक लाइव, LOKLIVE। इस कोड का यूज करने से आपको 10% का डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यदि 7,000 रुपये का आपका टोटल एक साल का सब्सक्रिप्शन पड़ता है तो 10% का डिस्काउंट होने के बाद वो 6,300 हो जाएगा। इसके अलावा आपने कुछ क्रेडिट्स कमाए होंगे अनएकेडमी की क्लासेस को करते हुए, तो उस आधार पर 10% का और आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये 5,600 5,700 तक आपको पूरा का पूरा कोर्स पड़ जाएगा। ठीक है, तो जब भी यूज सब्सक्रिप्शन लें मेरा कोर्स जरूर यूज करिएगा दोस्तों। चलिए आज का पहला प्रश्न है। गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार, गुड इवनिंग नेहा तिवारी जी, गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज का पहला प्रश्न है आप लोग की स्क्रीन के ऊपर कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार जो है उसने राज्य में हर्बल सड़कों के रूप में 800 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण करने की बात कही है, आंसर दीजिएगा। चलिए, एस जे मोजो जी ने आंसर दिया हुआ है मुझे, शिवम राजपूत जी ने आंसर दिया हुआ है, इट्स टैलेंट सर्कल ने आंसर दिया हुआ है, जपतम सिंह जी ने आंसर दिया हुआ है, ओम वर्मा ने आंसर दिया हुआ है, शिवांगी गर्ग एंड शारदा मेहरा जी ने आंसर दिया हुआ है। बिल्कुल दोस्तों, यूपी सरकार ने हर्बल सड़कों के रूप में 800 किलोमीटर लंबी सड़क जो है बनाने का और उन्होंने बोला है कि क्यों इस तरीके की बातें हो रही है दोस्तों, कि जो सड़कों के किनारे जो जमीन होती है जो कि सरकार की जमीन होती है, वहां पर कुछ औषधीय पौधों को लगाया जाएगा। यहाँ पर पूरी आप लोगों की बात जो है वो लिखी हुई है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने सड़क के दोनों ओर औषधीय और हर्बल पेड़ों के साथ हर्बल बेल्ट के रूप में 800 किलोमीटर लंबी सड़कों का विकास करने का उन्होंने बात कही है। उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य के पास पीडब्ल्यूडी पोर्टफोलियो है, मतलब कि पीडब्ल्यूडी उनके पास मंत्रालय है।
इन हर्बल सड़कों में उनके दोनों ओर की जमीन के साथ पीपल, नीम, सहजन के साथ साथ ब्राह्मी, अश्वगंधा, जट्रोफा जैसी कई जड़ी बूटियों का दोस्तों वहां पर विकास किया जाएगा, ताकि इससे दो तीन फायदे हो जाएंगे। एक तो आयुर्वेद जो है उसके विषय में जानकारी लोगों की बढ़ेगी, दूसरा पर्यावरण संरक्षण भी होगा, और तीसरा वहाँ की जो जमीन है उसका भी उपयोग किया जा सकेगा। तो ये काफी अच्छी पहल है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कि सड़कों के आसपास औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। चलिए दोस्तों, इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न है वो है ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व में फैले कोरोना वायरस से निपटने के लिए नाम के फाउंडेशन का गठन किया है। किस नाम के फाउंडेशन का गठन किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने? किस नाम के फाउंडेशन का गठन किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने? भारती सिंह, हेमरोज जी। हेमरोज जी का आंसर अभी तक मेरे पास जो आया हुआ है वो सही आया हुआ है, और देखते हैं कौन कौन आंसर देते हैं। प्रीति ने सही दिया हुआ है, रंजना खरे जी ने सही दिया हुआ है, स्वाति मिश्रा जी ने मुझे अभी तक जो है जवाब दिया है वो सही दिया है। दोस्तों WHO फाउंडेशन उसका नाम है। ओके, आप सभी को मालूम होगा कि WHO को अमेरिका के द्वारा दिया जाने वाला जो वित्त था वो अमेरिका बंद कर रहा है, ठीक है। और जब अमेरिका बंद कर रहा है तो WHO के पास में पैसे की कमी होने की संभावना है। तो WHO ने एक फाउंडेशन स्टार्ट किया है जिसका नाम है WHO फाउंडेशन। इस फाउंडेशन के माध्यम से WHO क्या करने वाला है, अपने लिए फंड जुटाने वाला है, ताकि इस COVID-19 की परिस्थिति में WHO ज्यादा से ज्यादा राहत पहुंचा सके। यही बातें आप लोगों के आगे यहाँ पर जो है लिखी हुई है, ये पूरा जो PDF है उसके अंदर यही लिखा हुआ है दोस्तों। तो ये PDF आप लोगों को दो जगह उपलब्ध हो सकता है, एक तो @लोकेंद्र सर, ये टेलीग्राम मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है @लोकेंद्र सर, वहां पर आप लोगों को ये PDF मिल जाएगा, और दूसरा आपके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का MPPSC 10, तो वहां पर भी ये आप लोगों को PDF मिल जाएगा। तो इसमें इसके बारे में विस्तृत जानकारी अगर आप लोगों को लेना है तो PDF से आप प्राप्त कर सकते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न मैं आप लोगों से करने वाला हूं कि दुनिया के सबसे बड़े सड़क रेल पुल का निर्माण किस देश में हो रहा है? आंसर दीजिएगा दोस्तों। आंसर दीजिएगा, दुनिया के सबसे बड़े सड़क रेल पुल का निर्माण किस देश में हो रहा है? गुड इवनिंग निधि निया जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग शर्मा जी, शारदा मेहरा जी ने आंसर दिया हो अभी तक मुझे एक, लेकिन अभी सही जवाब आ रहा है कि नहीं आ रहा है देखते हैं। दोस्तों जितने भी लोग क्लास देख रहे हैं जल्दी से जाकर के 3 या 4 सेकंड लगेंगे, आप लोग लाइक के बटन पर क्लिक करके आ जाइएगा प्लीज, जल्द से जल्द जाइएगा, बस 3 सेकंड में बस लाइक के बटन पर आप लोगों को क्लिक करना है, जल्दी जाइए दोस्तों। हो गया, चलिए 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 चलिए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से लाइक के बटन पर क्लिक करके आ जाइएगा। डन हो गया, थैंक यू प्रियंका जी, थैंक यू सभी लोगों का धन्यवाद दोस्तों। चीन है इसका आंसर। ओके, दुनिया के सबसे बड़े सड़क रेल पुल का निर्माण जो हो रहा है वो चीन के अंदर हो रहा है, ऐसा दावा कर रहा है चीन। देखते हैं क्या एक्सप्लेनेशन है इसका दोस्तों। लिखा हुआ है, चीन रेलवे शंघाई ग्रुप के अनुसार नानचांग शंघाई रेलवे के संचालन के लिए हुतोंग यांगची नदी पुल पर एक स्थिर भार परीक्षण शुरू हो गया है। मतलब यहाँ पर दोस्तों ये बोल रहे हैं कि ये विश्व का सबसे बड़ा क्या होगा, सड़क और रेल दोनों का पुल होगा। इसके निर्माण में राजमार्ग और रेलवे पुल 11,000 मीटर लंबा और 11,000 मीटर लंबा और 4,80,000 टन स्टील का क्या किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा। शुरू ही परीक्षण प्रक्रिया में 3 दिन चलेगी दोस्तों, अभी तक उसकी परीक्षण प्रक्रिया चल रही है। पुल पर दो भारी भरकम गाड़ियां दौड़ी और 498 स्थानों पर केबल तनाव और विस्थापन के लिए जांच की जाएगी। तो अभी तो टेस्टिंग चल रहा है दोस्तों वहां पर, कुल मिलाकर के जो सामने आप लोगों के लिखा हुआ है, लेकिन चीन बोल रहा है कि ये दुनिया का सबसे लंबा रेलवे और सड़क पुल होगा। तो ये आप लोगों को यहाँ पर कौन सी नदी के ऊपर बनाया जा रहा है ये भी याद रखना है। यहाँ पर लिखा हो यांगसी नदी पुल, ठीक है, यांगसी नदी के ऊपर ये वाला पुल बनाया जा रहा है जो कि दुनिया का सबसे लंबा पुल होगा। ओके, चलिए दोस्तों
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों ये बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आप लोगों को करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उसमें ये वाला क्वेश्चन बनने की संभावना है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, आरबीआई के गवर्नर होते हैं दोस्तों। चलिए सौरभ जी का आंसर आया हुआ है, प्राची का आंसर आया हुआ है, जोगा सिंह जी का आंसर आया हुआ है मेरे पास में भी, इट्स टैलेंट सर्कल जो है उनका आंसर आया हुआ है मेरे पास में भी, एस जे मोजो का आया हुआ है, शारदा मेहरा जी का आया हुआ है, रंजना खरे, स्वाति, समीक्षा श्रीवास्तव जी का आया, हेमरेश नेगू जी का, नेगी जी का आया हुआ है, संगीता राजपूत जी का आया हुआ है मेरे पास में। ओके चलिए ये जो आंसर है दोस्तों ए है, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद, इसका नाम है दोस्तों फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, इसके अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल क्या करती है, क्यों इसका गठन किया गया है दोस्तों? इसका गठन भारत के अंदर जो वित्तीय स्थायित्व है, भारत के अंदर जो विकास की परिस्थितियां हैं, भारत के अंदर जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसके लिए किया गया है कि अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो इस काउंसिल की, इस कमिटी की जो होती है, इस परिषद की बैठक होती है और फिर उसके माध्यम से हल निकाला जाता है कि भारत के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए। तो इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो वित्त मंत्री होते हैं और वर्तमान के वित्त मंत्री आप सभी को मालूम है दोस्तों निर्मला सीतारमण जी हैं, वो अभी इसकी अध्यक्ष हैं वित्तीय स्थिरता एवं और विकास परिषद की। ठीक है चलिए, इसकी स्थापना कब की गई थी इसके विषय में यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखा हुआ है कि वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की स्थापना 2010 में भारत सरकार के द्वारा की गई थी। क्यों की गई थी उसके विषय में मैंने आप लोगों को जानकारी दे दी है कि भारत के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कंटिन्यू करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये परिषद, ये काउंसिल बैठक करती है और उसके माध्यम से फिर क्या करती है, सॉल्यूशंस निकालती है। तो 2010 में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के वित्त मंत्री होते हैं। इस तरीके के प्रश्न दोस्तों पूछे जाने की संभावनाएं हैं। चलिए, और इस समिति की स्थापना करने के लिए किसने रिकमेंडेशन दिया था? 2008 में रघुराम राजन समिति ने इस परिषद की स्थापना करने के लिए क्या दिया हुआ था, रिकमेंडेशंस किए थे। इसी के आधार पर 2010 में वित्तीय स्थायित्व एवं विकास परिषद का गठन किया गया था। ओके दोस्तों, हाँ बिल्कुल बिल्कुल एस जे मोजो जी, अभी जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग के कारण ही ये प्रश्न आप लोगों के लिए बनाया गया है। ओके चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर कि जम्मू कश्मीर में एक प्रश्न है, पांचवा प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है कि परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, डिलिमिटेशन कमीशन की बात हो रही है दोस्तों, कि जम्मू कश्मीर में नामित सदस्य प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री और सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद अकबर लोन और हसनैन मसूदी और जुगल किशोर शर्मा शामिल है जम्मू कश्मीर के लिए दोस्तों। और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 60 के अनुसार जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा में सीटों की संख्या 107 से बढ़ाकर के 134 हो जाएगी। ये आप लोगों को आंसर देना है इसका, इसमें से कौन से सही है। पहला सही है परिसीमन आयोग के संदर्भ में दोस्तों, या दूसरा सही है, या पहला और दूसरा दोनों सही है, या फिर दोनों गलत है। इसमें से सही ढूंढना है दोस्तों आप लोगों को, इसमें से सही ढूंढना है आप लोगों को, इसमें से सही जो है दोस्तों वो केवल एक है। ठीक है, परिसीमन आयोग की बात कर लेते हैं हम लोग, डिलिमिटेशन कमीशन की बात कर लेते हैं, ये होता क्या है। देखिए दोस्तों, प्रत्येक जनगणना के बाद हमारे यहाँ पर लोकसभा के जो क्षेत्र है, ठीक है, और प्रत्येक विधानसभा की सीट का जो क्षेत्र है उसका परिसीमन किया जाता है, उसका डिलिमिटेशन किया जाता है। आप सभी लोगों को मालूम होगा कि ऐसा हुआ होगा कि 2002 के पहले ना 2002 के पहले सॉरी 2011 के पहले आप, या जो अभी जो चुनाव हुआ था 2014 में, हमारा 2014 में जो चुनाव हुआ था उसके पहले आप और किसी लोकसभा में लग रहे होंगे, और 2014 में जो चुनाव हुआ उसमें आप किसी और लोकसभा के अंदर आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो क्षेत्र था पहले और किसी लोकसभा
क्षेत्र के अंतर्गत आता था, और जब 2014 में चुनाव हुए तो फिर आपका क्षेत्र जो है और दूसरे किसी लोकसभा क्षेत्र के अंदर आ गया। तो मतलब जो बाउंड्रीज हैं एक लोकसभा क्षेत्र की या एक विधानसभा क्षेत्र की, उसको डिसाइड करने के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है, डिलिमिटेशन कमीशन को स्टैब्लिश किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर अभी जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो परिस्थितियां परिवर्तित हुई हैं, उन परिस्थितियों के परिवर्तित होने के बाद जो हमारा 2002 का परिसीमन अधिनियम था दोस्तों, 2002 के अंदर एक परिसीमन आयोग बनाया गया था। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों कि उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आरपी देसाई की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों, ऊपर लिखा हुआ है कि परिसीमन अधिनियम मतलब ये जो परिसीमन आयोग बना था वो किसकी अध्यक्षता में बना था, लास्ट वाला आरपी देसाई की अध्यक्षता में बना हुआ था, डिलिमिटेशन कमीशन। ठीक है, अब इस डिलिमिटेशन कमीशन के अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर में क्या होने हैं, चेंजेस होने हैं। जम्मू कश्मीर में क्या होने हैं, चेंजेस होने हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक विधानसभा वाला क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो उसमें जो चेंजेस होने वाले हैं वो चेंजेस क्या होने वाले हैं, जो इम्पोर्टेंट न्यूज है दोस्तों इसके अंदर, वो ये है कि भैया वहां की विधानसभा की सीटों की संख्या 107 से बढ़ाकर कितनी कर दी जाएगी, 114 कर दी जाएगी। ओके, हाँ, वहां के जो विधानसभा सीटों की संख्या है वो 107 से बढ़ा करके क्या हो जाएगी, 114 हो जाएगी। ये वाले चेंजेस होने की बात चल रही है। ओके, तो डिलिमिटेशन कमीशन क्या होता है, परिसीमन आयोग क्या होता है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है कि भैया लोकसभा और विधानसभा के जो क्षेत्र हैं उनकी बाउंड्रीज, उनकी सीमा निर्धारण करना परिसीमन कहलाता है। और 2002 का परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, आरपी देसाई जी की अध्यक्षता में वो गठित किया गया था। अब उसी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें कि भैया जो चेंजेस होने जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर, वो चेंजेस ये होने हैं कि 107 से बढ़ाकर के सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी, वहां पर 114 हो जाएगी। ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए यहाँ पर बात हुई है। ओके दोस्तों, अब आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर एक नए व्यक्ति के विषय में मैं बात कर रहा हूँ। तो जितने भी लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया है दोस्तों, जल्दी से 3-4 सेकंड लगेंगे, लाइक के बटन पर क्लिक करके आ जाइएगा। आप सभी लोगों का बड़ा आभार होगा, क्योंकि काफी ज्यादा मेहनत लगती है दोस्तों। तो जल्द से जल्द जाकर के आप लोग लाइक के बटन पर क्लिक करके आ जाइए। हाँ, पॉपुलेशन के बेस पर ही होता है, पॉपुलेशन के बेस पर ही होता है। एम्ब्रोस जी आंसर दीजिएगा, क्वारेशा अब्दुल करीम ने क्रिस्टोफ मेरिएक्स पुरस्कार जीता है, क्रिस्टोफ मेरिएक्स पुरस्कार जीता है, वह एक हैं। अभी क्रिस्टोफ मेरिएक्स पुरस्कार जीता है दोस्तों उन्होंने। थैंक यू दोस्तों, कौन है ये क्वारेशा अब्दुल करीम जी? बिल्कुल दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका की एचआईवी शोधकर्ता हैं क्वारेशा अब्दुल करीम जी, इनको क्रिस्टोफ मेरिएक्स पुरस्कार मिला हुआ है। क्रिस्टोफ मेरिएक्स पुरस्कार फ्रांस की गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान किया जाता है। ओके, फ्रांस के प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है जो दक्षिण अफ्रीका की एचआईवी शोधकर्ता क्वारेशा अब्दुल करीम जी को प्राप्त हुआ है। इन्होंने एचआईवी जो है दोस्तों उसके उसके रोकथाम के लिए काफी ज्यादा काम किया है दक्षिण अफ्रीका के अंदर, और अभी वर्तमान में कोविड-19 की परिस्थिति में भी ये काफी ज्यादा अच्छा काम कर रही है वहां पर संक्रमण को रोकने के लिए। इसीलिए क्रिस्टोफ मेरिएक्स पुरस्कार फ्रांस की गवर्नमेंट के द्वारा क्वारेशा अब्दुल करीम जी को प्रदान किया गया है। इनका चित्र हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, ये है क्वारेशा अब्दुल करीम। ओके, रिसर्चर है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, रोजगार सेतु योजना निम्न में से किस राज्य की एक पहल है? आंसर दीजिएगा, रोजगार सेतु परियोजना निम्न में से किस राज्य की एक पहल है? एसजे मोजो जी का आंसर मुझे अभी तक सही मिला हुआ है 7th के अंदर। धर्मेंद्र जी, स्वाति मिश्रा, सौरभ, रंजना खरे, मंजू तिवारी, समीक्षा श्रीवास्तव, भारती सिंह, बिल्कुल, प्रीति गुप्ता, शिवम राजपूत, संगीता, सपना, हेमरोज जी, प्रीति, प्रियंका राजोरिया जी, गगन जी और शारदा मेरा। बिल्कुल दोस्तों, रोजगार सेतु परियोजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चालू की गई है। रोजगार सेतु परियोजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने दोस्तों एक पोर्टल स्थापित किया है,
उस पोर्टल का नाम है एमपी रोजगार सेतु पोर्टल। जितने भी ऐसे मजदूर हैं जो कि किसी दूसरे राज्य में मजदूरी कर रहे थे, किसी दूसरे राज्य की फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे थे और कोविड-19 के कारण वो वापस अपने गृह राज्य में आ चुके हैं, तो उन सभी प्रवासी मजदूरों को क्या दिया जाना है, रोजगार उपलब्ध कराया जाना है। तो रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एमपी रोजगार सेतु पोर्टल की स्थापना की है। इस पोर्टल के अंदर वो जो व्यक्ति है जो कि मजदूर है वो क्या करवाएगा, अपना पंजीकरण करवाएगा, अपने कौशल के हिसाब से वो पंजीकरण करवाएगा कि उसके अंदर कौन सा कौशल है ताकि उसको कौन सा रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। मध्य प्रदेश सरकार इस तरीके से वो डेटा इकट्ठा कर रही है और जितने भी फैक्ट्रीज ऐसी हैं जिन लोगों को कि मजदूरों की आवश्यकता है, जिन लोगों को कि टेक्नीशियंस की आवश्यकता है, तो एमपी गवर्नमेंट उस डेटा को फैक्ट्रीज को उपलब्ध कराएगी और जिन फैक्ट्रीज को जिस तरीके के मजदूरों की या जिस तरीके के कौशल वाले व्यक्तियों की आवश्यकता है, उस तरीके के कौशल वाले व्यक्तियों को वो लोग रोजगार देंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो आप लोगों के नाम ये जो दिया हुआ है दोस्तों, इसका नाम जो है रोजगार सेतु योजना। रोजगार सेतु योजना मतलब सेतु बनाया हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा किस किस के बीच में, मजदूरों के बीच में और कंपनियों के बीच में। ठीक है, मजदूरों और कंपनियों के बीच में एक सेतु बनाया हुआ है सरकार के द्वारा और उस सेतु का नाम है रोजगार एमपी रोजगार सेतु पोर्टल। इस पोर्टल में पूरी जानकारी आ जाएगी, उस पोर्टल के माध्यम से फिर फैक्ट्रियां जानकारी ले लेंगी और मजदूरों को रोजगार उपलब्ध करा देगी। इस पोर्टल के अंदर आप लोगों को जो पंजीकरण करना है अगर किसी भी मजदूर को, तो वो कब तक कर सकता है, लास्ट डेट है दोस्तों 3 जून। कोई भी मजदूर है वो इस पोर्टल के अंदर पंजीकरण कर सकता है, तो कब तक कर सकता है, 3 जून तक कर सकता है। क्या है इसकी पात्रता रजिस्ट्रेशन कराने की, मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए दोस्तों, मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए और समग्र आईडी धारक होना चाहिए, तब वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है। 3 जून उसकी लास्ट डेट है। ओके, चलिए निधि नित्या शर्मा जी ने भी सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया है निधि नित्या जी ने भी। दोस्तों जितने भी लोग दोस्तों नए जुड़े हैं सभी लोग जल्द से जल्द लाइक करके आ जाइए तो मेरी जो मेहनत है वो सफल हो जाएगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क को में स्थापित किया गया है। अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क को में स्थापित किया गया, कहाँ स्थापित किया गया है दोस्तों? थैंक यू धन्यवाद। चलिए एसजे मोजो जी का आंसर आया हुआ है मेरे पास में, स्वाति मिश्रा, धर्मेंद्र मिश्रा, इट्स टैलेंट सर्कल, उनका नाम आया हुआ है, उनका आंसर आया हुआ है मेरे पास। दोस्तों जल्दी आंसर दीजिएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। समीक्षा पवार, प्रीति गुप्ता, सौरभ लोढ़ा जी, इतने लोगों का दोस्तों मेरे पास, बिल्कुल बिल्कुल आईएनएस कलिंग पर इसको स्थापित किया गया दोस्तों, अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क। ओके, आईएनएस कलिंग पर स्थापित किया गया अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क को। देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। आईएनएस कलिंग में मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला 28 मई 2020 को कमोडोर राजेश देवनाथ कमांडिंग ऑफिसर द्वारा वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन और पीवीएसएम एवीएसएम वीएसएम एफओसी इनसी पूर्व की उपस्थिति में रखी गई। तो काफी लोगों ने इसमें उपस्थिति दर्ज कराई दोस्तों। तो आईएनएस कलिंग पर इसको स्थापित किया गया है, ध्यान से सुनिएगा, अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क को कहां पर स्थापित किया गया है, आईएनएस कलिंग के ऊपर दोस्तों स्थापित किया गया है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर के अजीत प्रमोद कुमार जोगी का हाल ही में निधन हो गया है, वह एक थे, आंसर दीजिएगा। अजीत प्रमोद कुमार जोगी जी का हाल ही में निधन हो गया है, वह पूर्व थे दोस्तों। बिल्कुल 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 एसजे मोजो जी राइट कह रहे हैं आप, सोलर पार्क से हैं वो, बिल्कुल छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे, इसके में तो कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। ओके, अजीत प्रमोद कुमार जोगी जी का हाल ही में निधन हुआ, छत्तीसगढ़ के वो क्या थे, मुख्यमंत्री थे दोस्तों। पहले ये कांग्रेस से जुड़े हुए थे, फिर उसके बाद में इन्होंने पार्टी चेंज कर ली थी और अपनी एक नई स्वतंत्र पार्टी का निर्माण कर लिया था। ओके,
पैरालिसिस ऑलरेडी इनको हो चुका था और अभी हृदय आघात से इनकी मृत्यु हो गई है। चलिए दोस्तों, ये हैं अजीत प्रमोद कुमार जोगी जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों आज का हमारा दूसरा सेगमेंट है, इस शहर का नाम आप लोगों को बताना है। आज आज थोड़ा सा आसान सा लेकर के आया हुआ हूं मैं, सभी लोग खुश हो जाएं, ताकि है ना। और ये प्रश्न पूछा भी जाता है, यहाँ पर मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर है, यह बाबा साहब अंबेडकर की जन्मभूमि है। अरे वाह प्रीति, क्या बात है। हाँ, लोकेशन इंदौर में है। देखते हैं, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए दोस्तों इसका। ये तो बहुत ही आंसर आसान सा प्रश्न है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। गगन जी का आया हुआ है आंसर, प्रीति का आंसर आया हुआ है, एस जे मोजो जी का आंसर आया हुआ है, साइलेंट सर्कल का आंसर आया, प्रतीक्षा का आंसर आया हुआ है, मुस्कान जी का। मुस्कान मालविया जी, रोज 6 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है, और अगर आपको इसकी लिंक चाहिए है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिएगा, @लोकेंद्र सर, उसका लिंक है, उसमें रोज डेली इसकी लिंक प्राप्त हो जाती है। बिल्कुल दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने मुझे इसका जवाब दिया है, बहुत सारे लोगों ने मुझे इसका जवाब दे दिया है दोस्तों। महू, ओके, महू में है ये मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर भी है यहाँ पर, और बाबा साहब अंबेडकर की जन्मभूमि भी है। तो दोस्तों जितने भी लोग नए आए हैं, जल्दी से लाइक के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। ये हमारा दूसरा सेगमेंट आज खत्म होता है, हम लोग अब हमारा तीसरा सेगमेंट स्टार्ट करते हैं, मतलब कल कल की जो करंट अफेयर्स थे उसका रिविजन हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। कल के करंट अफेयर्स हमारे सारे कंप्लीट हो जाएंगे, तो उससे हमें आगे की चीजें जो है कंप्लीट हमारी होती रहेंगी और सब कुछ बराबर बराबर याद होता हुआ चलता जाएगा। चलिए, ये है दोस्तों पहला प्रश्न कल का, कि 28 मई 2020 को स्वतंत्रता सेनानी और हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर की जयंती मनाई गई थी। ये जो जयंती मनाई गई थी वो कौन सी जयंती उनकी मनाई गई थी दोस्तों, है ना। 137वीं जयंती दोस्तों ये उनकी मनाई गई थी, और इसमें मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीजों के विषय में बताया हुआ था, कि जो विनायक दामोदर सावरकर जी हैं उनके विषय में बहुत सारी बातें हैं, कि भैया उन्होंने जो 1857 का रिवोल्ट था, सबसे पहले उन्होंने, मतलब उनकी एक बुक थी, उस बुक के अंदर उन्होंने क्या बताया हुआ था कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। इसके अलावा उन्होंने कुछ संस्थाओं की भी स्थापना की थी, जैसे अभिनव भारत उनके द्वारा स्थापित की गई संस्था थी, ठीक है। इसके अलावा ये मित्र मेला नामक उनके द्वारा एक सोसाइटी भी बनाई गई थी, जिसका नाम क्या था, मित्र मेला। ये भी मैंने कल आप लोगों से बात की थी। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि भैया उनको काला पानी की सजा मिली हुई थी, कहाँ पर, कहाँ सजा भोगने गए थे वो, अंडमान और निकोबार में वो सजा भोगने के लिए गए हुए थे, और इसी के आधार पर पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे का नाम फिर क्या रखा गया, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन कल मैंने इनके विषय में दी थी, जहां से कि आप लोगों के प्रीलिम्स के प्रश्न बनते हैं दोस्तों। इसके अलावा मैंने ये भी बताया हुआ था कि जो हमारा तिरंगा झंडा है, हमारे तिरंगे झंडे के बीच में जो धर्म चक्र है, उस धर्म चक्र को वहां पर लगाने का सर्वप्रथम सुझाव वीर सावरकर जी ने दिया था, जिसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने स्वीकार किया हुआ था। इसके अलावा इनके विषय में ये भी बोला जाता है कि इन्हें विदेशी धरती पर बंदी बनाया गया था, और बंदी बनाने का ये जो मामला था वो फिर नीदरलैंड हेग के न्यायालय में भी गया हुआ था। तो ये पहले ऐसे राजनीतिक बंदी थे भारत के, जिनका कि मामला कहां पर गया हुआ था, नीदरलैंड हेग के न्यायालय में गया हुआ था। ओके, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जहां से कि प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ओके चलिए, ये हैं दोस्तों विनायक दामोदर सावरकर जी। इसके बाद कल मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछा था कि निम्न में से किस संगठन ने कोविड कथा का हिंदी संस्करण जारी किया हुआ है। तो राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद ने कोविड कथा का हिंदी संस्करण जारी किया है दोस्तों। इसका बहुत सारे इंग्लिश संस्करण इसका ऑलरेडी उपलब्ध था, जिसमें ये जानकारी थी कि कोविड-19 क्या है, कोविड-19 के क्या लक्षण हैं, कोविड-19 से बचने के लिए क्या किया जा सकता है, क्या सावधानी बरती जा सकती है, तो वो सारी कहानी इसके अंदर थी दोस्तों। इसका हिंदी संस्करण नहीं था, तो हिंदी भाषी राज्यों के द्वारा इसकी मांग की गई, जिसके आधार पर राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद ने कोविड कथा का हिंदी रूपांतरण जो है जब ही जारी किया हुआ है। अगला है दोस्तों, मुज्तफा हुसैन का हाल ही में निधन हो गया है। मुज्तफा हुसैन जो है वो उर्दू के साहित्यकार थे,
उर्दू के लेखक थे। और इन ये क्यों ज्यादा फेमस हुए, क्योंकि जो भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पारित किया गया था उसके अंदर उसके विरोध में इन्होंने भारत सरकार को अपना पद्मश्री अवार्ड लौटा दिया था। इनका हाल ही में दोस्तों निधन हो गया है। इनका चित्र हम लोग देख लेते हैं, ये मुस्तफा हुसैन जी जिनका कि हाल ही में निधन हुआ, उर्दू के लेखक थे, हैदराबाद में इनका निधन हुआ है। फ्लिपकार्ट ने आम किसानों को समर्थन देने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य के आम विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? निम्न में से किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो उसको कर्नाटक राज्य के साथ में क्या किया हुआ है, समझौता किया है फ्लिपकार्ट के द्वारा। फ्लिपकार्ट ने कर्नाटक राज्य के आम किसानों के साथ में समझौता किया और कर्नाटक राज्य की सरकार के साथ भी समझौता किया है, ताकि फ्लिपकार्ट वहां से कुछ अच्छी किस्म के आमों को क्या कर सके, खरीद सके और फ्लिपकार्ट ऑनलाइन उसका क्या कर सके, बेच सके। 3-3 किलो की टोकरी बनाई जाएगी दोस्तों, और 3-3 किलो की टोकरी आप लोग को फ्लिपकार्ट के ऊपर मिलेगी। इसमें मैंने आपको ये भी बताया हुआ था कि कौन कौन से किस्म के आम आप लोगों को मिलने वाले हैं, अल्फासो, बादामी, एपोस, बंगाल पल्ली, केसर, नीलम, हिमम पासन, सेंदूर और मल्लिका, जैसे बहुत ही अच्छे स्वादिष्ट आमों के 3-3 किलो की टोकरी फ्लिपकार्ट के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। कर्नाटक राज्य से उन्होंने इस प्रकार का समझौता किया हुआ है। ये एक स्पोर्ट्स की न्यूज थी दोस्तों, जिस पर मैंने कल आप लोगों से बात की हुई थी कि भारतीय खेल प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ा सा तेज इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि कल ये मैं पढ़ा चुका हूँ, एक क्विक रिविजन बस आप लोगों का मैं करवा रहा हूँ। भारतीय खेल प्राधिकरण ने 2749 खेलो इंडिया एथलीटों के खातों में भत्ते के रूप में 30-30 हजार रुपए क्या कर दिए, जमा कर दिए दोस्तों। और 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एथलीटों को 21 खेल विषयों में आउट ऑफ पॉकेट भत्ता प्रदान किया गया दोस्तों। खेलो इंडिया एक योजना है दोस्तों, जिसके माध्यम से जितने भी खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत शामिल एथलीट हैं दोस्तों, उनको साल भर में 1,20,000 रुपए गवर्नमेंट भत्ता देती है। तो उसमें जो पहली तिमाही का भत्ता है वो खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत शामिल लोगों को, खेलो इंडिया के अंतर्गत शामिल एथलीट्स और खिलाड़ियों को भारत सरकार ने पहुंचा दिया है, वो है 30-30 हजार रुपए का भत्ता। तो खेलो इंडिया योजना के तहत साल भर के अंतर्गत जो व्यक्ति भी, जो स्पोर्ट्स पर्सन इस योजना के अंतर्गत शामिल होता है, 1,20,000 रुपए उसको क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है प्रोत्साहन राशि के रूप में, भत्ते के रूप में। अगला प्रश्न दोस्तों, कल मैंने भारतीय खेल प्राधिकरण के विषय में भी बताया था दोस्तों। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना 1984 में की गई थी। भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में। तो ये प्रश्न भी आप लोगों से पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण जो कि भारत के अंदर खेलों के विकास की शीर्ष संस्था है, ओके, ये किसके अंडर में कार्य करती है, खेल मंत्रालय के अंदर में काम करती है और खेल के विकास के लिए शीर्ष संस्था है। 1984 में इसका गठन किया गया था और कहाँ किया गया था, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में इसका मुख्यालय है दोस्तों, ओके। चलिए इसके बाद में दोस्तों, मैंने आप लोगों को कल स्पोर्ट्स की एक और न्यूज दी थी बहुत इंपॉर्टेंट, कि निम्नलिखित में से किस देश के तेज गेंदबाज सेहान मुदुनशका को ड्रग्स के रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया? तो श्रीलंका के थे दोस्तों ये सेहान मुदुनशका, इनके विषय में मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। और ये 2 ग्राम, मात्र 2 ग्राम ड्रग्स इनके पास में मिला था, उसी चक्कर में ये फंस गया, उनको पुलिस ने पकड़ लिया है। इन्होंने 2 T20 मैच खेले हैं और 1 वनडे मैच खेला है दोस्तों। तो यहाँ पर उनके विषय में कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों। इन्होंने जो एक वनडे मैच खेला था उसी के अंदर इन्होंने हैट्रिक लगा दिया था। एक वनडे मैच जो इन्होंने खेला था उसी में इन्होंने हैट्रिक लगा दिया था। इसके अलावा मैंने कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी थी कि वनडे में सबसे पहले, पूरा जितने भी वनडे हुए हैं दोस्तों उसमें सबसे पहले हैट्रिक लेने वाले व्यक्ति का रिकॉर्ड, मतलब हैट्रिक लेने वाले व्यक्ति कौन है, पाकिस्तान के तेज गेंदबाज जलाल उद्दीन, ओके, पाकिस्तान के गेंदबाज है जलाल उद्दीन, जिन्होंने की वनडे क्रिकेट के अंदर सबसे पहले हैट्रिक लगाया हुआ था, ओके। और अभी तक वनडे क्रिकेट में कितनी हैट्रिक लग चुकी है, 49 हैट्रिक अभी तक लग चुकी है वनडे क्रिकेट के अंदर। ये है दोस्तों सेहान मुदुनशका। अब उसके बाद अगला प्रश्न मैंने आप लोगों से पूछा था कि निम्नलिखित में से किस मंत्री ने तत्काल स्थायी खाता संख्या सुविधा शुरू की है, जो कि आधार संख्या आधारित ई केवाईसी का उपयोग करता है? तो निर्मला सीतारमण जी ने दोस्तों इसको स्टार्ट किया हुआ। ये क्या है, पैन नंबर आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा दोस्तों। भारत सरकार के आयकर विभाग की साइट पर आप लोगों को जाना है, अपना आधार नंबर सबमिट कराना है। जैसे आप अपना आधार नंबर सबमिट कराएंगे तो आधार आधारित ई केवाईसी आपका कंप्लीट हो जाएगा
और जैसे ही केवाईसी आपका कंप्लीट होगा, थोड़ी देर में आप लोगों का पिन नंबर आपको मिल जाएगा। तो इसकी घोषणा वित्त मंत्री जी ने बजट में की थी। ओके, इसकी घोषणा वित्त मंत्री जी ने बजट में की थी और उस घोषणा को वित्त मंत्री जी ने आप क्या कर दिया है, लागू कर दिया है। आधार नंबर आपको सबमिट करना है, तुरंत आप लोगों का पिन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, जारी हो जाएगा। ओके, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों। ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न था हमारे यहाँ की जो लड़कियां हैं उन लोगों के लिए। लॉकडाउन के दौरान हरियाणा से अपने पिता को साइकिल पर बिठाकर दरभंगा बिहार लाने पर बेटी ज्योति को निम्नलिखित में से कौन सा सम्मान दिया गया है? तो मैथिल वीरांगना सम्मान जो है दिया गया है ज्योति जी को। ये है दोस्तों ज्योति जी, हरियाणा से दरभंगा बिहार तक अपने बीमार पिता को साइकिल पर लेकर के आ गई। इस लड़की के साहस को सलाम है दोस्तों, ज्योति कुमारी जी। इनको कई संस्थाओं के द्वारा अवार्ड्स दिए गए हैं, इनको कई संस्थाओं के द्वारा इनाम भी उपलब्ध कराए गए हैं, और साथ ही साथ इन्हें साइकिल साइकिल जो हमारे यहाँ पर स्पोर्ट्स होता है उसके ट्रायल के लिए भी ज्योति कुमारी जी को बुलाया गया था। अगला प्रश्न था दोस्तों हमारा कल का, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न था, हमारे कल्चर से रिलेटेड करंट अफेयर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यूनेस्को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल मंदिर परिसर में नवी शताब्दी के एक शिवलिंग का पता लगाया हुआ है। यह स्थल निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? वियतनाम में अवस्थित है दोस्तों, एक शिवलिंग का पता लगाया है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने। ओके, अब ये शिवलिंग कुछ इस तरीके का दिखता है दोस्तों। ओके, बलुआ पत्थर से बनाया हुआ शिवलिंग है ये, और इसे किसने बनाया था? यहाँ पर लिखा हुआ नवी शताब्दी ईस्वी में राजा इंद्रवर्मन द्वितीय के शासनकाल में ये शिवलिंग बना हुआ था दोस्तों, वियतनाम के अंदर है। तो हमारी संस्कृति कहाँ तक फैली हुई है, हमारा कल्चर कहाँ तक फैला हुआ है, आप समझ सकते हैं इस बात को। अगला प्रश्न था दोस्तों आप लोगों का कि निम्नलिखित में से किसे न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? ये कल का मैं क्विक रिवीजन आप लोगों के लिए करवा रहा हूं। ओके, कल का एक क्विक रिवीजन करंट अफेयर का मैं आप लोगों के लिए करवा रहा हूं। निम्नलिखित में से किसे न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? मार्कोस प्राडो ट्राउजो, इनको नियुक्त किया गया है दोस्तों, ये दक्षिण अफ्रीका के हैं। ओके, न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है? ब्रिक्स जो कंट्रीज हैं, ब्रिक्स कंट्रीज के द्वारा स्वयं के जो देश हैं उनके विकास के लिए और विकासशील देशों की सहायता करने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी दोस्तों। उसके जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष बनेंगे दोस्तों ब्राजील के हैं दोस्तों, सॉरी गलत निकल गया था, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील के हैं ये। ओके, ब्राजील के हैं मार्कोस प्राडो ट्राउजो। ओके, ब्राजील के हैं ये मार्कोस प्राडो ट्राउजो, इनको अध्यक्ष नामित किया गया है दोस्तों। इन्होंने किसका स्थान लिया है? जब ये न्यू डेवलपमेंट बैंक बना हुआ था उस समय इसके जो पहले अध्यक्ष थे दोस्तों वो थे कुंडापुर वामन कामत, जिन्हें हम लोग के वी कामत के नाम से जानते हैं। 2015 में जब ये बैंक बना था के वी कामत इसके अध्यक्ष बनाए गए, तो वो भारतीय थे। ओके, उनका स्थान लेने वाले हैं ब्राजील के मार्कोस प्राडो ट्राउजो जी। ओके, और मैं इनके विषय में इनका चित्र आपको दिखा देता हूं दोस्तों। ये है मार्कोस प्राडो ट्राउजो जी जो ब्राजील के हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ न्यू डेवलपमेंट बैंक की, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछे जाने की काफी ज्यादा संभावनाएं हैं दोस्तों। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना जुलाई 2015 में की गई थी। प्रश्न बनता है न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो जुलाई 2015 में की गई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? संघाई चीन में इसका मुख्यालय है। ब्राजील कंट्री के द्वारा बनाया गया था, सॉरी ब्रिक्स कंट्री के द्वारा बनाया गया था। इसमें कौन कौन है? ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ओके, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका पांच देश हैं ब्रिक्स के अंदर, जिन्होंने कि संघाई चीन में जुलाई 2015 के अंदर न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की थी दोस्तों। ये कल का आप लोगों का मध्य प्रदेश वाला मैप है, जिसमें मैंने पूछा था कि ये एक जलाशय की बात मैं पूछ रहा था आप लोगों से, जो कि इंदौर के जल प्रदाय के लिए प्रमुख है और इसका निर्माण गंभीर नदी पर किया गया है। तो यहाँ से दो प्रश्न हमारे हल हो रहे थे कि गंभीर नदी कहाँ बहती है, इंदौर में बहती है, और दूसरा प्रश्न हमारा हल हो रहा था कि इंदौर को जल कहाँ से मिलता है, तो यशवंत सागर बांध से मिलता है दोस्तों। ये हमारा कल का क्वेश्चन था दोस्तों। आज का हमारा तीनों सेगमेंट कंप्लीट होता है, पहला आज के करंट अफेयर्स, दूसरा
आज का नया एमपी का मैप और लोकेशन, और तीसरा कल के करंट अफेयर और मैप का पूरा रिवीजन। कल पुनः मिलते हैं हम लोग नए 10 करंट अफेयर्स के साथ में, जिसमें नई बातें होंगी। दोस्तों जरूर उपस्थित होइएगा, और जितने भी लोग अभी मुझे देख रहे हैं इसको लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।